आप देख रहे हैं आरजेएन 24x7 न्यूज। मैं शुभम उपाध्याय। अब समाचार विस्तार से। अहमान होता है अपने आप पे कि मैंने सिख धर्म में जन्म लिया। जिस समय मैं आज ही किताब पढ़ रहा था, क्योंकि ये सडनली प्रोग्राम बना, तो मैं ये देख रहा था कि एक सिख नहीं है, गैर सिख ने किताब लिखी, साहिब कमाल श्री गुरु गोविंद सिंह जी, और वो लिखने वाले लाला दौलत राय जी। 350 पृष्ठों तक तो सिर्फ ये लिखा हुआ था कि कैसे समय की हुकूमत उनके ऊपर जुल्म करती थी। एक विशेष तौर का टैक्स लगाया जाता था, जो टैक्स नहीं देता था उसके ऊपर में बहुत जुल्म ढाए जाते थे। नगाड़ा नहीं बजा सकता था कोई, पगड़ी धारण नहीं कर सकता था। अगर कोई पगड़ी पहन के आ रहा है सामने से, अगर समय की हुकूमत का सिपाही भी है, तो उसे पगड़ी को उतार के अपने बगल में दबाना पड़ता था। और एक विशेष तौर का जजिया टैक्स उनके ऊपर में लगाया जाता था। ऐसे 350 पेजों तक, पृष्ठों तक उस किताब में सिर्फ यही चीज लिखी हुई थी कि कैसे तकलीफ में कायनात जो है चल रही थी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, आज हर गुरुद्वारे के अंदर में आपको नंगाड़ा मिलेगा, वो पगड़ी धारण किया हुआ मिलेगा, वो केशधारी इसलिए मिलेगा क्योंकि वो अलग से दिखना चाहिए। एक समय ऐसा था कि जिस समय सिख को, केशधारी को, पगड़ी को देख के ही मुगलिया सल्तनत के जो है नींव मिल जाती थी। वो समा वो लाना चाहते थे और उन्होंने वो समा लाया, जो सिख कौन तैयार की। आज हम सिख हैं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बताए हुए अगर रास्ते पे चले तो हमारे को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। जो तकलीफ है वो हमारे अपनी वजह से। तो एक समय ऐसा आया कि कश्मीर से पंडित आए, कहते कि भाई वहाँ का जो हुकूमत है वो हमारे जनेऊ उतार के और उसको वजन करता है। अगर उतने वजन का होता तभी वो रात का खाना खाता है। और ऐसे में हमारा जीवन, हमारा धर्म संकट में। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की उम्र उस समय सिर्फ मात्र 8 साल की थी। 8 साल का बच्चा साथ में खड़े होकर सुन रहा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं कि अगर आप उनको जाके ये बात कहो कि हमारा गुरु अगर ये धर्म बदल ले या कबूल कर ले, वैसे तो बोले हम सारे धर्मों की कदर करते हैं, जिस धर्म में आप कहोगे हम उस धर्म की कदर और सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं, हम अपनी मर्जी से चाहे चले चाहे जही भी। लेकिन अगर आप कहोगे कि जबरदस्ती हमको ये धर्म कबूल किया जाए, वो हमको मंजूर नहीं है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने कहा कि आप जाके ये कहो कि हमारा गुरु जो है वो अगर धर्म कबूल कर लेता तो हम सारे के सारे उनके पीछे पीछे सारा अपना धर्म छोड़ के आप जिस धर्म को कहोगे उसमें हम चले जाएंगे। लेकिन इसके लिए एक बहुत नामधारी कोई महापुरुष जो है, उसको समय ऐसा आएगा कि बलिदानी भी देनी पड़ सकती है। उसकी हो सकता है कि उसकी जिद की वजह से वो अपना धर्म ना छोड़े, और ऐसे में उसकी मौत भी लिखी हुई है। तो बोले ऐसे महापुरुष को किसी को बलिदान कर देना पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह जी मात्र 8 साल की उम्र में बगल में खड़े हैं, मात्र 8 साल की उम्र, कहते हैं कि आपसे बड़ा और महापुरुष कौन हो सकता है। देखिए मैं आपको फिर से अंडरलाइन करके बताऊं कि गुरु नानक साहब जी महाराज को जनेऊ धारण करवाया गया। उन्होंने कहा कि मैं जनेऊ का विरोध नहीं करता, लेकिन मेरे को ऐसा जनेऊ पहनाओ जो मेरा दरगाह में मेरे मरने के बाद मेरे साथ चले। उन्होंने दरगाह में पहुंचने वाला कोई जनेऊ चाहिए जो मैं धारण करूं और वहां भी मेरे काम आए। वहां पर उन्होंने उस चीज का, उस कर्मकांड का खंडन किया। लेकिन आगे आके 9वें पातशाह जी, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज उसी जनेऊ की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग रहे। चांदनी चौक गुरुद्वारे में जाएंगे, इस तरफ उनका पिंजरा लगा हुआ था, साथ में कुआं है, आज भी उस पवित्र जल से स्नान किया। सामने दो हमारे पहले उन्होंने एक धमकी दी कि इनके दो जो साथी हैं, जो चेले हैं, उनको पहले हम शहीद करेंगे, प्रताड़ना देंगे ताकि ये गुरु डर जाए और डरने के बाद में हमारी बात को मान ले। उनको पहले एक को रुई में लपेट के, बताइए रुई को पूरा लपेट के बांध के उसके बाद उनको आग के हवाले कर दिया गया। कैसी मौत दी होगी, इतनी ज्यादा भयानक मौत, शहादत उनकी हुई। दूसरे को गर्म तेल में वहीं तल दिया गया। लेकिन गुरु साहब जी पिंजरे के अंदर में, एक 4x4 का पिंजरा था, उनके अंदर में बंद करके उनको दूर से दिखा रहे थे, जो आज शीशगंज गुरुद्वारा है वहीं पर। जब वो नहीं माने तो ये चीज को उन्होंने पिंजरे से निकाल के कि भाई आपके ये देखो, इनके जैसी इनकी शहादत हुई है वैसा आपका समय आ सकता है। लेकिन वो बिना डरे, निडर होके उन्होंने कहा कि मुझको कोई प्रेम नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी यहाँ पर अमर बेल का पत्ता खा के नहीं आया, किसी को सदी भी नहीं रहना, मेरे को भी जाना है, आप लोगों को सभी को बारी बारी से जाना है। तो वो एक
रैली निकाली जा रही है सिख समुदाय द्वारा, जो कि इतिहास गवाह है हमारे दसवें गुरु गोविंद सिंह साहब के, चार साहब जादे जिन्होंने कुर्बानी दी धर्म के खाते, और उसके बाद उनका परिवार पूरा समर्पित रहा अपने धर्म के खातिर। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जिन्होंने दिल्ली सीतगंज में अपनी शहादत दी, उसी के उपलक्ष्य में ये रैली निकाली जा रही है जो कि गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा से पुराने गंज तक जाएगी। बीच बीच चौराहे में अपने गुरु सिख साहबान और गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चों ने शहादत दी है छोटी सी उम्र में, उनके इतिहास के बारे में बताया जाएगा। ये रैली कहाँ से कहाँ निकाली जाएगी? ये गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा राजनांदगांव से निकलकर पुराने गंज राजनांदगांव तक जाएगी। इस रैली में क्या क्या है? इस रैली में पूरे सिख समुदाय के महिलाएं, बच्चे और सिख समुदाय के पुरुष और भी अन्य जो इनसे जुड़ना चाहते थे वो सभी इसमें सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि यह धर्म के खातिर एक हिंदू की रक्षा करने के लिए जो कुर्बानी दी है उस इतिहास के बारे में बताया जाएगा। ये अपना नाम बताएं। गुरमीत सिंह भाटिया।